ना वंश का ना टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, साथ में किरत को बिठा लिया, आराम से चलाओ। साथ में किरत को बिठा लिया, देखो डर तो पूरा लग रहा है। किरत से पूछो, पूरा विश्वास है। हेलो फैमिली, सभी को राम राम, बच्चों को प्यार। आप कैसे हैं? ये दोनों आज स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि आज इनकी छुट्टी है। इसकी तो छुट्टी है, उसकी तबीयत ख़राब हो रखी है, उसको इसलिए आज नहीं भेजा हमने। इनके स्कूल से मैसेज आया है कि कोई मतलब इनके एग्ज़ाम तो हो नहीं रहे हैं, तो मैडम ने दोनों की मैडम ने ही बुलाया है, तो आज हम स्कूल जाएंगे। तो अब रेडी वेडी हो गए हम स्कूल जाने के लिए, तो नाश्ता वगैरह कर लिया जल्दबाजी में, बस स्कूल जा रहे हैं। बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, हेलमेट पहन के पहुँच गए हम स्कूल में। बस मैडम के पास जा रहे हैं, ये देख बैठी हुई है सामने, मैडम के पास जा रहे हैं हम। तो मैडम का लंच टाइम चल रहा है, तो ये देखिए बच्चे का हाफ डे हो रखा है अभी, अपना खेलने की सर्च में। तो स्कूल से हम आ गए हैं, एडजू क्या था स्कूल में, मैडम ने इनके इसलिए बुलाया था कि एडजू क्या होता है, कुछ भी मिस्टेक होती है ना पेपर उसमें डॉक्यूमेंट में, तो उसको द्वारा रिसेंट द्वारा मंगवाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट लेके गया था, तो चेक करा। एडजू क्या बड़े वाले की पासबुक तो बिल्कुल ओके थी, और छोटे वाले की पासबुक में कोई दिक्कत हो रखी थी, तो वो बैंक में द्वारा स्कूल में द्वारा देने गया था फोटो स्टेट करके, तो उन्होंने इसलिए मंगाई थी, आज इसलिए स्कूल में बुलाया था उन्होंने। जा रहे हैं, ये देखो ये छत पे भाग गए हैं। ये देखो जी, ये क्या कर रहा है ये, इनकी होली आ गई है अभी, एक हफ्ता पड़ा है होली को, एक हफ्ता पड़ा पूरा होली को। हाँ, आज कितनी तारीख है? कितनी? 15। हाँ तो लगा ले 16, 17, 18। दो दिन का गैप नहीं पड़ा, क्या ज्यादा पड़ गया? 16 है, 16 और 17 फ्राइडे की होली है। देखो पापा जी, 16, 17 के बाद क्या आता है 18, और 18 की क्या है होली, तो दो दिन का गैप आएगा। ये देखो ये गली में ये तनु खड़ा है, ये लाइटें लगी हैं हमारी गली में, ये देखिए ये लाइटें लगी हैं सारी। एग्जू क्या है, सैटरडे को ना हमारे यहाँ बाबा जी की चौकी होती है, हर साल होती है चौकी, बाबा जी की चौकी होती है, और संडे को होता है भंडारा, तो वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये तभी गली में अभी लाइटें लग रही हैं सारी, बाबा बालकनाथ जी की चौकी होती है। तो मैं जा रहा हूँ अभी मार्केट, एग्जू क्या है मार्केट इसलिए जा रहा हूँ, ये मेरी ये दीवार है ना पीछे वाली, ये वाली दीवार है ना जो ये वाली, इसका जो कलर है ना ये देखिए ये उखड़ रहा है, तो मैं इसी कलर का मेरे पास, ये देखिए उखड़ रहा है, तो इसी कलर का मेरे पास डब्बा पड़ा है, बहुत पहले का पड़ा हुआ है, उस पर इसका आर्टिकल लिखा हुआ है, क्योंकि ये पेंट है, इस पर मिक्स होकर बनता है, मशीन से बनवाया था मैंने, तो वही लेके आऊँगा मैं, उससे बनवा के दिखा के छोटे ही लाऊँगा, क्योंकि एक्चुअली क्या अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है इसको मेरे को कराए हुए, तो ये बच्चे हैं ना मेरे तोड़ देते हैं इसको, तो उसको करवाऊंगा, उसे डब्बी बना के लाऊंगा, तो ये जो पेंट है ना उसको भरवा दूंगा इनको पूरे को। तो अभी जा रहा हूँ मैं मार्केट लेने, तो देखते हैं वो कितने की बनेगी छोटी डब्बी, तो ये मास्क ले लूँ मैं अपना। हमने कलर ले लिया है, पर हमारे को कलर उस कंपनी का नहीं मिला जिसको जो हमारे को चाहिए था, तो हमारे को दूसरी कंपनी का मिला है। वाइस बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे गाड़ियों का, पीपी हो रही है, पीपी पीपी पीपी, वाइस चलो आपको घर पे मिलते हैं। तो फाइनली अब घर आ गया हूँ मार्केट से, और आते ही मैंने आपको तनु ने बताया था ना कि कलर मिला, ये देख कलर मिला है, ढूंढने में मुश्किल हुई है। एक्चुअली क्या मैंने ना इस पर पेंट करा रखा था सिल्की, तो वो पेंट मिल ही नहीं रहा, कह रहा भाई साहब 3-4 साल हो गए हैं अभी मिलेगा नहीं, मैं दूसरी कंपनी का लेके आया, नौ महीने पर जब चलो मैचिंग तो कर दो। एक्चुअली क्या जो ये टचिंग होती है ना, ये टचिंग करनी है, ये जो छोटी छोटी टूट गई है ना यार, दोबारा अभी पेंट क्या कराना है, अभी तो बिल्कुल ओके चल रही है, मैंने जहाँ 200 रुपये में 200 ग्राम बना है 200 रुपये में, तो बनवा के लाया हूँ, तो टचिंग करूँगा मैं खुद ही। तो ये किरत कुछ कह रहा है भाई, इससे मैं अपना होली का रंग बनाऊंगा। होली का रंग बनाएगा? पिंक है ना? है? पिंक है? ये पर्पल कलर है ये वाला। अबे नहीं,
ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं, ये खराब हो रहा है ना, ये हम ले रहे हैं क्योंकि ये खराब नहीं 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 इससे नहीं मारने भर के नहीं 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 इसको नहीं मारना भर के नहीं नहीं थोड़ा सा पानी नहीं नहीं थोड़ा सा बिल्कुल नहीं बनाना ये देखो ये खराब हो गया ना पेंट तो ये बोल रहे हैं हमें दे दो हम अपने बैलून में भर के मारेंगे इसको फेंक डस्टबिन में जम चुका है इसको फेंक दे पानी डालो तो ये देखो भाइयों इन्होंने ये देखो कितना बड़ा बैलून फुला दिया पानी का ये देखो कितना बड़ा बैलून है ये देखिए होली के लिए इन्होंने अभी से ही तैयारी कर दी है गली में इतना बड़ा बैलून फूट जाएगा हाथ से आराम से आराम से किसको आराम से तो ये देखो हमारा ओरी आ गया बाहर ये ओरी हमारा आ गया देखो बैलून देख के हरा गिरा ओरी को देख रहे थे वो देख वो देख ये और ये तो हमारा दूसरा ओरी है वो दूसरा ओरी है हमारा वो दूसरा ओरी ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देख के आ रहा है इधर देखो ये बिल्कुल बैलून फोड़ने की कतार में है ये देखिए ओरी 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 क्या कर रहा बेटा बैलून फोड़ेगा वो देखो देखो औरू बैलून फोड़ेगा वो देखो ये फोड़ने की उसपे है बिल्कुल ये देखिए तो हम जा रहे हैं जरा केमिस्ट की दुकान पे तन्नु की दवाई लेने तो हमारा मेरे को कह रहा है चाचू मैं ही चलाऊंगा बाइक वो सामने से आ रहा है बाइक लेके वो बड़ा खुश होता बाइक चलाने में ये रहा ओ आराम से चलिए पहले बता रहा हूँ तेरे को मैं तो तन्नू भी जरा इसी की दवाई लेने जा रहा हूँ मैं खांसी की तो ये वंश देखो चला तो रहा डर बड़ा लगता है मेरे को इसके साथ बैठ के ये देखो बार बार गाड़ी बंद कर दे रहा है ये देखो ठंडी बड़ी हुई है है क्या कह रहा है ठंडी बड़ी है ठंडी बड़ी हुई है चलाई जाती है तेरे से आराम से चला आराम से आराम से आराम से ये देखो ये अपना जोश दिखा रहा है ये भाई ये अपना जोश दिखा रहा है मेरे को एक चीज को ठोकेगा ना जब तब देखिए मुझे आती है चलाने तन्नू और कीरा जा रहे हैं सामने साइकिल पे जाने ये केमिस्ट्री की दुकान पे अरुण भाई की तो बहुत डर लगता है इसका बैठने में इसका ऐसा लगता है जैसे ये ठोक ही देगा किसी को तो ना अब हम ना वंश का ना टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं साथ में किरत को बिठा लिया आराम से चलाओ ये साथ में हमने किरत को बिठा लिया ये डर तो पूरा लग रहा है कीरत से पूछो पूरा विश्वास है किरत को मेरे पे मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैं आता हूँ वंश भाई को पूरा भरोसा है मुझे पूरा डर लग रहा है इस पे क्योंकि हम तीनों को बिठा रखे ना आज इसका टेस्ट कर रहे हैं आराम से गाइस तीन जने ही होते हैं और इतनी बढ़िया चलाते हैं ये तो देखते हैं क्या करता है आगे दिखाते हैं मैं तो यहाँ पर भी बैठ के आया हूँ जहाँ आप बैठे हो तो ये देखो जी तनु आगे जा रहा है दम लगा के है ये हमारा इसका भी लाइसेंस नहीं बना हुआ अभी है 14 साल का ही लेकिन अभी ये चलाना सीख रहा है एक्लू क्या है कभी भी कोई छोटी मोटी जरूरत पड़ती है ना जाने की तो ये इसको ले जाया करते हैं जैसे मैं नहीं होता कभी घर पे है ना मैं कभी घर पे नहीं होता तो पड़ी है। तो ये चला था एक्लू क्या हमारी ना एक्टिवा खराब हो चुकी है उसको सही करा लिया 2-3 बारी है लेकिन उसको ना सेल करेंगे सेल करने के बाद दूसरी गाड़ी लेंगे तो जो भाई की बाइक है वो खड़ी है फैक्ट्री में भाई करता है अपनी गाड़ी पे अप डाउन भाई ने मेरी गाड़ी ले रखी है ब्लेनो ले रखी है वो उसी में रोज अप डाउन करता है क्योंकि एक्चुअली आराम से उसको जाना होता है टूर पे वगैरह तो इसलिए वो ना ब्लेनो पे अप डाउन करता है तो बाइक खड़ी है फैक्ट्री में स्कूटी यहाँ खड़ी है खराब सिर्फ बची मेरी बाइक तो मेरी बाइक पे तो मेरे को इतने काम होते हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता तो ये हमारा ले आया ऊपर तक सबको सही सलामत आराम से हमारा वंश ले आया है सबको सही सलामत आराम से अब यहाँ पे हम उतर जाएंगे लड़ाई पे आराम से आराम से आराम से आराम से मैं तो उतर गया हूँ लेकिन ये किरत बैठा हुआ कैसा मैं तो रोज उतरता हूँ आज मैं इनकी देख रहा हूँ टेस्ट ड्राइव कैसी है इनकी टेस्ट ड्राइव तनु आ रहा है पीछे तो ये देखो ये इनकी टेस्ट ड्राइव देख रहे हैं हम एक लोग छोटे बच्चों को देनी चाहिए लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई के पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी तो मैं कभी घर में होता हूँ नहीं होता तो ये है कि छोटे मोटे कहीं जगह जाना हो इधर उधर तो ये लेके जा सके ये अब चला लेता है आराम से लेकिन अभी इतना बिठा के चला नहीं पाता
क्योंकि मैं तो सबको बिठा के चला लेता हूँ, तो मेरे साथ सारे बैठ जाते हैं। इससे ना किसके कोई इसके साथ बैठता नहीं है, इसके साथ कोई बैठता नहीं है, इसलिए डर लगता है। तो इसकी टेस्ट ड्राइव भी लिया आज मैंने। तो भाइयों टाइम हो गया रोटी खाने का। हैक ने आज बनाया है दाल चावल और सब्जी, मेरे को ना वो कल की ही खिलाएगी, क्योंकि कल की ही खिलाएगी। एक्चुअली क्या होता है जी, मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर सब्जी बची होती है ना तो मैं उसको बोल देता हूं कोई बात नहीं रख ले, आज मत बनाइयो, मैं खा लूँगा। कभी कभी बच जाती है तो मैं रोटी के साथ उसको खा लेता हूँ। तो चलता रहता है यार, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाना वेस्ट करने से बहुत दिक्कत होती है, खाना खाना ही चाहिए। तो मैं भी खाता हूँ खाना, मैं कभी वेस्ट नहीं करता, कभी नहीं करता वेस्ट। कभी बाई चांस बिल्कुल भूख ना लगे तो बात अलग है, उसको भी नहीं वेस्ट करता, मैं खा लेता हूँ, अगले दिन खा लेता हूँ। तो हमारी आज की वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, लाइक करना गाइस। तो हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो दिखाते रहेंगे और आपको मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में। ओके बाय 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 बाय।